hello students today we are going to solve numericals based on the emf the terminal potential difference and internal resistance of a cell in while solving these numericals we need these formulas we have studied that internal resistance r is given by e upon v minus 1 into capital r where e is emf v is terminal potential difference capital r is external resistance of the circuit small r is internal resistance of the cell we have also studied that terminal potential difference v is e minus ir but when we charge a cell this potential difference becomes e plus ir

एक सेल है हमारे पास जिसकी ई एम एफ टू वोल्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस टू ओह है और उसके साथ हमने एक वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट किया इसकी सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूं जैसे हमने एक सेल ड्रॉ किया सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की उसको हमेशा हम सेल के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे ये सेल का टू वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है टू ओहम इसकी रेजिस्टेंस है और इसके साथ हमने वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट किया ये मैंने वोल्ट मीटर शो है और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है ये हमारा वोल्ट मीटर है वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हमें गिवन है इट इज नाइन नाइनटी एट ओहम और ये सर्किट हमें सिंपल सा सर्किट जो है वो हमें गिवन है ये हमारा ये हमने सारा सेल शो किया है इसको समटाइम्स हम ऐसे डॉटेड बॉक्स में शो कर देते हैं अगर नहीं भी शो करोगे तो भी कोई मैटर नहीं करता इसका मतलब होता है भी ये ई एम एफ है और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमने शो की है नाउ अब आप देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स हमें वी की वैल्यू चाहिए यहाँ पे वो हमें फाइंड आउट करना है और हमें देखना है कि वोल्ट मीटर कितना एरर जो है वो देगा फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी नोमेरिकल हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले आप लिख लो कि वट इज गिवन इन द क्वेश्चन हमें वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस या हम कहें सर्किट की रेजिस्टेंस है ये वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस है विच इज नाइन नाइनटी एट ओह जो सेल की रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं दैट इज टू ओह और जो ई एम एफ है उसको हम ई e से डिनोट करते हैं वो हमारी टू वोल्ट जो है वो गिवन है अब हम लोगों को जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V की वैल्यू चाहिए अब अगर हम V का फॉर्मूला देखें तो V इज E माइनस आई आर अब आप देखो हमें V फाइंड आउट करना है E हमें है, small r हमें गिवन गिवन है, है, लेकिन करंट हमें गिवन नहीं है इसका मतलब क्या है सबसे पहले हम लोग सर्किट का जो करंट है वो फाइंड आउट करेंगे तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हमने करंट का फॉर्मूला अप्लाई किया करंट क्या होता है टोटल वोल्टेज कितनी है टोटल रेजिस्टेंस कितनी है अब टोटल वोल्टेज ई कितनी है टू स्मॉल आर की वैल्यू हमें टू गिवन है और कैपिटल आर की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 998 गिवन है ये हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में थाउजेंड बन गया या फिर हमारे पास करंट कितना बन गया टू इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री एम अब हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी ऑल्सो तो इस फॉर्मुले में मैं अब वैल्यूज पुट कर रही हूँ ई e की वैल्यू हमारे पास है 2, करंट हमारे पास है 2 इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारे पास है टू तो अब जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे यहाँ पे जैसी ये टू माइनस ये हमारे पास आ जाएगा फोर इंटू फोर अपॉन थाउजेंड है वी कैन से तो ये बन गया टू माइनस टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर जिसको हम सब करेक्ट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 1.996 पॉइंट वोल्ट तो हमारे पास ये रीडिंग आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ये हमने फाइंड आउट किया है अब आप देखो जो वोल्ट मीटर है और सेल है दोनों पैरेलल में है और हमें पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम तो क्वेश्चन में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर एंड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल तो दोनों की ही वैल्यू क्या होएगी? सेम होएगी। तो V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होएगा दोनों के एक्रॉस तो अब हमें परसेंटेज एरर पूछा है कि कितना कितना एरर होएगा यहाँ पे तो एरर कैसे हम निकालते हैं परसेंटेज एरर हमने लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन किया था चेंज इन वैल्यू चेंज इन वैल्यू अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड अब हमारे पास ई एम एफ टू है लेकिन वोल्ट मीटर ने कितनी रीडिंग दी है 1.996 और एक्चुअल वैल्यू इन टू 100 इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी 0.2 परसेंट इसका मतलब जो वोल्ट मीटर है वो एग्जैक्ट ई की वैल्यू नहीं देगा उसने हमें कुछ वैल्यू जो है वो कम वैल्यू जो है वो शो की है और ये जो कम वैल्यू है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये टॉपिक हम लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे जो वोल्ट मीटर है वो कभी भी सेल की ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता क्योंकि वोल्ट मीटर कब वर्क करेगा जब सर्किट में से कोई करंट फ्लो करेगा इसका मतलब सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है तो सेल जो है वो ओपन सर्किट में नहीं है सेल इज इन क्लोज सर्किट और ई को हम डिफाइन ही कब करते हैं जब जो सेल है वो ओपन सर्किट में होए तो जब हमने वोल्ट मीटर में लगा दिया ओपन सर्किट तो रहा ही नहीं तो वो किसकी रीडिंग है एक तरह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जो कि ई से हमेशा कम होता है तो जो वोल्ट मीटर है दैट कैन नॉट बी यूज टू मेजर ई एम एफ ऑफ ए सेल और उसके लिए हम एक अलग डिवाइस पड़ेंगे पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सेल की ई मेजर कर सकता है जो वोल्ट है वो ई मेजर नहीं कर सकता नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव अ बैटरी ऑफ ई एम एफ ट्वेल्व वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस टू ओहम। अब यहाँ पे हमारे पास डायग्राम साथ में क्वेश्चन के गिवन है हमारे पास एक बैटरी है ट्वेल्व वोल्ट की और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ये टू ओहम साथ में लिखी हुई है तो समटाइम्स हम साथ में रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें स्किप ना हो चीज और अगर नहीं भी ड्रॉ करते तो ऐसे लिख देते हैं जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टू ओहम की इसकी रेजिस्टेंस है इट इज कनेक्टेड टू फोर ओम रेजिस्टर अब ये फोर ओह हमारा एक्सटर्नल रजिस्टर है एज शोन शो दैट अ वोल्ट मीटर वेन प्लेस्ड अक्रॉस सेल एंड अक्रॉस द रजिस्टर इन टर्न गिव्स सेम रीडिंग हमें शो करना है कि वोल्ट मीटर को हमने सेल के क्रॉस लगाया और फिर अगर हम वोल्ट मीटर को यहाँ पे के क्रॉस लगाएं तो दोनों केसेस में जो वोल्ट मेटर है वो सेम रीडिंग प्रोवाइड करेगा नाउ जस्ट सी दिस इज अ पैरेलल सर्किट सॉरी सीरीज सर्किट और यहाँ पे आई करंट सेम आई करंट जो है वो दोनों रजिस्टर्स में से पास पास करेगा यह हमारे पास यहां पे वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं V इक्वल टू आई आर और जो सेल के क्रॉस V की रीडिंग है वो हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर और हम देखेंगे कि जो दोनों रीडिंग्स हैं वो हमारी सेम आनी चाहिए ये हमने शो करना है जो रेजिस्टर के क्रॉस वी की वैल्यू है रेजिस्टर के क्रॉस वी की वैल्यू है वहां पे हम ओह लॉ लगाएंगे क्योंकि करंट हम फाइंड आउट कर लेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है ओहम्स लॉ से हम रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं और सेल के क्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला वी इक्वल टू ई माइनस आई आर हम यूज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है अब हमारे पास ई एम एफ गिवन है ट्वेल्व वोल्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है टू ओ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है फोर ओ होम है नाउ <coughs> आप देखो दोनों ही एक्सप्रेशंस के लिए वी नीड द वैल्यू ऑफ करंट दैट मींस सबसे पहले हम सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हमने अभी भी ऊपर क्वेश्चन में यूज किया है टोटल कितनी ई एम एफ है टोटल कितनी रेजिस्टेंस है ई एम एफ ट्वेल्व है टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल कितनी है टू एक्सटर्नल कितनी है फोर तो ये हमारे पास ट्वेल्व अपॉन सिक्स ये टू एम्पियर हमारे पास करंट आ गया नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल सेल के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं टू माइनस आई आर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ई e की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में ट्वेल्व है करंट की वैल्यू हमने टू फाइंड आउट करी है और स्मॉल आर भी टू गिवन है तो ट्वेल्व में से ये हमारा फोर्स अब ये हमारे पास आ गया एट वोल्ट फिर हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस रजिस्टर रजिस्टर के अक्रॉस जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी यूज लो ऑलवेज तो V इक्वल टू आई आर ओह हमने यूज किया करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारे पास टू फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू हमारे पास फोर है तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई एट वोल्ट तो रेजिस्टर के क्रॉस हमने वैल्यू फाइंड आउट की पोटेंशियल की और सेल के क्रॉस दोनों वैल्यू सेम आई तो ये हमारे पास हमने शो किया कि दोनों के क्रॉस जो वैल्यूज हैं वो सेम आएंगी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जैसी बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर गिव्स अ करंट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर विद एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ ट्वेल्व ओ एंड करंट ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव एम्पियर विद एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ ट्वेंटी फाइव ओ हमें ये गिवन है ईएमएफ ई है इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और जब एक्सटर्नल रेजिस्टर ट्वेल्व का है तो करंट गिवन है भी 0.5 फाइव है और जब एक्सटर्नल रेजिस्टर 25 फाइव का तो करंट हमें गिवन है 0.25 है और हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ई ईएमएफ जो है, वो करनी है। तो सी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इन तीनों को रिलेटेड जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है हमारे पास ई क्या है या हम करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ई एम एफ आर प्लस आर अब हमें ई एम एफ हमने इसको लिख लिया अब फर्स्ट केस में देखो हमें क्या गिवन है हमें गिवन है ई एम एफ ई है करंट 0.5 पॉइंट एम्पियर है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की है वो तो सेम ही रहेगी अगर हमने सर्किट चेंज भी कर दिया सेम सेल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस और ई एम एफ क्या रहेंगे सेम सेकेंड केस में हमें क्या गिवन है ई एम एफ तो सेम ही रहेगी करंट कितना है जीरो पॉइंट टू फाइव एम्पियर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ट्वेंटी फाइव है और सेल की रेजिस्टेंस क्या रहेगी सेम वो चेंज नहीं होएगी, सेम सेल है अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया पॉइंट फाइव ट्वेल्व प्लस आर ये हमारे पास 12 प्लस आर 0.25 पॉइंट टू प्लस आर यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 12 प्लस आर ये पॉइंट इधर डिवाइड कर लिया पॉइंट ये हमारे पास डेसिमल हटा के नीचे आ जाएंगी दो ऊपर आ जाएगी एक जीरो फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव ये एक जीरो कैंसिल हुई क्या आ गया पॉइंट फाइव बच गया इसको सॉल्व करके पॉइंट फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस आर रेजिस्टेंस की वैल्यू सॉल्व करेंगे ट्वेल्व प्लस आर ट्वेंटी फाइव होता है ये ट्वेल्व पॉइंट फाइव आ गया प्लस पॉइंट फाइव आर इसको उधर लेके जाएंगे ये वन आर है वन आर में से हाफ आर सब्ट्रैक्ट हो गया हाफ आर बच गया 12.5 में से 12 सब होएगा तो 0.5 बच गया मींस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई वन ओ कैलकुलेशन आप खुद से भी सॉल्व करके देखना ये मैंने 0.5 को यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया इसको सारे को कट करके 0.5 बच गया और इसको हमने ब्रैकेट ओपन की हमारे पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई अब क्वेश्चन में हमें तो हम सेकेंड वाली भी कर सकते हैं एनी इक्वेशन वी कैन यूज पॉइंट फाइव ट्वेल्व प्लस ये वैल्यू हमें आर की वैल्यू वन हमने पुट कर दी तो थर्टीन इंटू थर्टीन इंटू सेवन पॉइंट फाइव थर्टीन का हाफ हो गया सिक्स पॉइंट फाइव वोल्ट ये हमारे पास हमारी EMF आ गई तो हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशन में हमारे पास करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन थी जिससे हमने सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस और ई एम एफ की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करी है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो सी फर्स्ट पार्ट पहले मैं इसका रीड कर रही हूँ अ कार हैज फ्रेश स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रजिस्टेंस फाइव इंटू टेन दिस्टू पार 2 टू इफ द स्टार्टर मोटर ड्रॉज ए करंट ऑफ नाइन व टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी बैटरी की बात हो रही है तो आपको पहले ज्यादा क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना कभी भी सबसे पहले आप देखो क्या गिवन है और उसको आप नोट डाउन कर लो विद सिंबल्स अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा अभी बैटरी की ई एम एफ है ट्वेल्व वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस है फाइव इंटू टेन टू पार माइनस टू वो हम और हमें करंट गिवन है 90 एम है और हमें V की वैल्यू पूछी है अब इन सभी को रिलेट करता फॉर्मूला हमने पढ़ा है आई गिवन e e है I गिवन है R गिवन है और V की वैल्यू हमें पूछी है बस यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हमें कार की बैटरी गिवन है और उसके लिए सारे वेरिएबल्स गिवन है और हमें वोल्टेज पूछिए टर्मिनल वोल्टेज नाउ हो ई हमारे पास 12 है, करंट की वैल्यू 90 है और आर की वैल्यू हमारे पास 5 अपॉन हंड्रेड लिख सकते हैं इसको 5 इंटू टेन की पार माइनस टू है इसको मैंने 5 अपॉन हंड्रेड लिख लिया ये एक जीरो कैंसिल होगी फाइव नाइन जोटी फाइव अपॉन टेन है 4.5 इसका मतलब 12 में से हम 4.5 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये हमारे पास आ गया 7.5 वोल्ट ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया हमने V की वैल्यू जो टर्मिनल वोल्टेज हमें पूछी थी, 7.5 वोल्ट हमने इसकी फाइंड आउट कर ली है बिल्कुल इजी है नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट हम रीड करते हैं आफ्टर लॉन्ग यूज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू 500 हंड्रेड ये पॉइंट हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो विद टाइम इंक्रीज होती जाती है आयंस डिपॉजिट होते हैं और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है तो हमें पहले इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी गिवन थी फाइव इंटू टेन दिस टू पावर माइनस टू हम और अब विद टाइम बढ़ के वैल्यू कितनी होगी फाइव हंड्रेड बहुत ज्यादा इंटरनल रजिस्टेंस होगी तो वट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी अब मैक्सिमम कितना करंट हम ड्रॉ कर सकते हैं अब यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको समझनी है ई एम एफ सेम है कोई भी बैटरी मैक्सिमम करंट कब दे सकती है हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं हमारे हमने एक बैटरी ली उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव अगर हम कोई अप्लायंस ना कनेक्ट करें दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर दें तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग शॉर्टिंग बोल देते हैं शॉर्ट सर्किटिंग बोल देते हैं शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट हमने कनेक्ट कर दिए डायरेक्ट कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो जीरो है हमने कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया सेल के पॉजिटिव नेगेटिव को तो सेल की जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कॉपर वायर की रेजिस्टेंस निकलीजिबल है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किटिंग के केस में क्या होती है मिनिमम होती है जीरो को अप्रोच करती है जीरो नहीं होएगी हम कहेंगे जीरो को अप्रोच करती है और जो करंट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्योंकि वायर हमने सीधा ही कनेक्ट कर दी कोई अप्लायंस बीच में कोई रजिस्टर नहीं है तो आर क्या होता है जीरो को अप्रोच करता है वी सेम है तो करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करता है तो क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम करंट पूछा है तो मैक्सिमम करंट के लिए मीन्स हमने उसको शॉर्ट कर दिया शॉर्ट कर दिया मीन्स हमने पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के कनेक्ट कर दिए और हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या लेंगे फिर जीरो लेंगे इस केस में तो करंट हम कैसे कैलकुलेट करते होते हैं ई अपॉन आर प्लस आर अब जब हमने शॉर्ट सर्किटिंग की है तो ये वैल्यू क्या है हमारी जीरो है दिस वैल्यू इज जीरो हमारे पास ई कितनी गिवन है ट्वेल्व गिवन है इंटरनल रेजिस्टेंस इस केस में जब बढ़ चुकी वैल्यू 500 है इंटरनल रेजिस्टेंस इज 500 तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये वैल्यू आती है देखो 12 अपॉन फाइव है इनटू टेन की पार माइनस टू हो जाएगा ऊपर जाके ये जो दो जीरोज है ऊपर जाके माइनस टू इसको हम सॉल्व करते हैं टू पॉइंट फोर टेन टू पार माइनस टू एम्पियर या हम क्या लिख सकते हैं फोर मिली एम्पियर तो करंट जो है वो बहुत कम है स्टार्टर मोटर को करंट कितना चाहिए पहले पार्ट में गिवन है 90 एम्पियर करंट चाहिए तो मोटर स्टार्ट होगी करंट है कितना 24 फोर मिली एम्पियर यानी कि इससे जो हमारी मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो सकती ये हमने सेकेंड केस में करंट फाइंड आउट किया जब हमने उसको शॉर्टिंग शॉर्टिंग करके पॉजिटिव नेगेटिव को डायरेक्ट कनेक्ट करके हमारे पास मैक्सिमम करंट आ सकता है तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया ये हमने यहाँ पे ए पार्ट सॉल्व किया ये हमने यहाँ पे बी पार्ट सॉल्व किया अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं अब देखो सी पार्ट रीड कर रही हूं मैं इफ द डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज बाई एक्सटर्नल ई एम एफ सोर्स अब हमने बैटरी वर्क नहीं कर रही तो उसको चार्ज करना पड़ेगा टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग ग्रेटर और लेस 12 वोल्ट अब हमने चार्जिंग का फॉर्मूला पढ़ा था ड्यूरिंग चार्जिंग किसके इक्वल होता है ई प्लस आई आर थ्योरी में भी हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ चार्जिंग के टाइम जो वी है वो ईएमएफ से ग्रेटर होएगा ओनली ओनली एंड ओनली वेन चार्जिंग इज गोइंग तो ईएम जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई एम एफ से ग्रेटर होएगा। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज जो है वो ट्वेल्व वोल्ट से हमारी इस केस में ज्यादा होगी जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो वैल्यू विल बी मोर नाउ वन मोर क्वेश्चन इज जस्ट सी अ सेल ऑफ ईएमएफ 4 फोर वोल्ट इंटरनल रजिस्टेंस वन ओहम इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ़ टेन वोल्ट थ्रू अ रजिस्टर ऑफ फाइव ओहम कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल ड्यूरिंग चार्जिंग अब हम एक सेल को चार्ज कर रहे हैं अब ये आप बड़े ध्यान से इसको समझना हमारे पास सेल गिवन है फोर वोल्ट का सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस वन ओह है और हमने इसको एक डीसी सोर्स बैटरी ले, ले लेते हैं से कनेक्ट किया करना है हमने जिसकी हमारे पास इसको मैं आपको कंफ्यूजन ना हुए तो मैं सिंगल से ही शो कर रही हूँ एक सोर्स है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारा फोर ओम का ये टेन वोल्ट का सोर्स है फाइव ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर जिसको हम बोलते हैं ये स्मॉल आर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और हमें चार्जिंग के टाइम पे वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज मींस वी की वैल्यू हमें चाहिए ठीक अब हमें वी पता है ई माइनस आई आर होती है पर चार्जिंग के टाइम पॉजिटिव साइन हो जाता है अब हमें क्वेश्चन में चाहिए पहले हम करंट निकाल लेंगे अब यहां पे आप एक चीज को अंडरस्टैंड करो अगर ये सेल इसको हम चार्ज कर रहे हैं अगर इससे करंट आउटवर्ड होएगा, तो फिर क्या होता है सेल की सेल से हम करंट ले रहे हैं अगर पॉजिटिव से करंट आउटवर्ड आता है नॉर्मली तो उसका मतलब क्या होता है सेल से हम करंट ले रहे हैं अगर हमने इसको करंट देना है इसका मतलब करंट की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए इधर इधर कब होएगी अगर हम जिससे चार्ज कर रहे हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर हो इसके पॉजिटिव से आउटवर्ड इसके पॉजिटिव से आउटवर्ड तो ये आपको ध्यान रखना है जब हम चार्जिंग करते हैं तो सेल के पॉजिटिव से सोर्स का पॉजिटिव कनेक्ट होएगा सेल के नेगेटिव से सोर्स का नेगेटिव कनेक्ट होएगा ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे पॉजिटिव से करंट आया ये हमारा वर्क कर रहा है दूसरे को हम चार्ज कर रहे हैं तो अगर हम इसका नेगेटिव इधर कनेक्ट कर देते इसका नेगेटिव लेफ्ट साइड पे कनेक्ट कर देते फिर तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती उसका मतलब होता हम सेल से करंट ले रहे हैं लेकिन हमें सेल को करंट देना है ताकि जो रिएक्शन है वो रिवर्स होए सेल फिर से चार्ज हो जाए हमारा तो जब भी हम चार्जिंग करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है अब दूसरी चीज़ आप देखो एक चीज तो ये होगी भी चार्जिंग के टाइम पे पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है नेगेटिव को नेगेटिव से अब जब भी सर्किट में ऐसे दो सेल्स कनेक्टेड हुए और हमें वोल्टेज लेनी है तो नेट वोल्टेज हम कैसी लेंगे तो नेट वोल्टेज इज से कैसे करंट फ्लो करेगा आपने क्या करना है एक को लाइक like, हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आए जब हम इसको ड्रैग करके लेके आएंगे कोई कनेक्शन नहीं हमने हिलाया जब आप इसको ड्रैग करके लेके आओगे तो आप देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल तो आएगा इधर ड्रैग करके ले आए हम और नेगेटिव आएगा इधर मींस ये ऑपोजिट पोलैरिटी में ज्वाइंट है देखो जब सेल ऐसे कनेक्टेड होते हैं नेगेटिव के साथ पॉजिटिव फिर तो वोल्टेज हम क्या करते हैं ऐड भी ये 1.5 है ये 1.5 है टोटल थ्री आ गई अगर सेल्स ऐसे कनेक्ट होते हैं फिर हम वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करते हैं टोटल वोल्टेज कैसे निकलती है अगर तो सेम है 1 .5, 1 .5, फिर तो टोटल क्या बन जाती है जीरो अब जैसे हमारी सिचुएशन है एक सेल फोर का एक सेल टेन का तो टोटल कितनी आएगी टेन माइनस फोर सिक्स तो इस सर्किट में आप अब देखो टोटल ई कितनी आएगी टेन माइनस फोर ये ऐसे शो करने की जरूरत नहीं होती ये आपने अपने माइंड में ही देखना होता है अभी हम इसको ऐसे ड्रैग करके लेके जाएंगे तो पॉजिटिव इधर पहुंचेगा पॉजिटिव इधर पहुंचेगा मीन्स ये ऑपोजिट प्लेरिटी से कनेक्टेड है तो हमने इनको सब ट्रैक्ट करना है तो ये टेन माइनस फोर सिक्स वोल्ट आ गया और टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी अब आप ये देखो अभी फोर और फाइव वन ओहम और फाइव ओह सीरीज में कनेक्टेड है क्लियरली अलग अलग वायर नहीं है सिंगल वायर से कनेक्टेड है तो सिक्स हम हमारी टोटल रेजिस्टेंस आ गई तो टोटल करंट आ जाएगा ओम्स लॉ से वोल्टेज कितनी है नेट ई एम एफ कितनी है नेट रेजिस्टेंस कितनी है तो ई एम एफ नेट कितनी है सिक्स रेजिस्टेंस भी नेट कितनी है सिक्स तो करंट कितना आ गया वन एम्पियर का अब हम वोल्टेज पूछिए हमें क्वेश्चन में वोल्टेज तो ई एम एफ कितनी है क्वेश्चन में ई एम एफ वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे E प्लस आई आर अब हमें सेल के क्रॉस पूछी है वोल्टेज सेल को हम डिस्कस कर रहे हैं तो सेल की ई एम एफ कितनी है फोर है सेल को करंट कितना मिल रहा है वन और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितनी है वन तो ये हमारे पास आ गया फाइव वोल्ट ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया वोल्टेज आ गई एक्रॉस द सेल जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं थैंक यू